नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे टेन्योर ट्रैक सिस्टम इन आईआईटीज को जो लाया गया है वो है क्या, टेन्योर ट्रैक सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करेगा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों, ये स्पेशली आईआईटीज के लिए आया है और इसको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट समझ लेते हैं कि ये ट्रैक सिस्टम किस तरीके से काम करेगा एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने के लिए। दोस्तों, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे कानपा एजुकेशन फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें ताकि इस पर जल्दी से फॉलोअर्स की नंबर बढ़ सके। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फर्दर वीडियोस लेकर आने के लिए, और यहाँ पर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करेंगे तो इससे आपको भी फायदा होगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने 3000 क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बना दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और हम पेपर से पहले अपना जो 2020 का प्रीलिम्स है उससे पहले तकरीबन 10,000 से 12,000 क्वेश्चंस हमें यहां पर अपलोड करने हैं। तो आई होप आप इस चीज का भी बेनिफिट उठाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। जैसा कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम है वो एक्चुअली है क्या, तो वो है प्रोफेसर्स को हायर करने का एक सिस्टम। तो यहां पर इसका मेन मकसद ये है कि काफी क्वालिफाइड और अच्छे प्रोफेसर्स को आईआईटीज में भेजा जाए और इसे अभी सिर्फ आईआईटी में ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहां पर 2 अक्टूबर 2019 को एक रिपोर्ट आई थी कि 50% जो प्रोफेसर्स हैं वो एवरेज से भी कम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और मात्र आईआईटी में यानी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के उनमें मात्र 30% गुड फैकल्टी ही रह गई है टोटल स्ट्रेंथ की। तो अब ये हमारे लिए काफी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है क्योंकि एक्चुअली आईआईटीज जो है हमारे देश की टॉप इंस्टीट्यूशंस में आने वाली इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स को फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे तो हमारी पूरी जो ग्लोबल लेवल पर हमारी जो बेइज्जती होनी है वो होना तय है। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आईआईटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के टॉप क्लासेस इंस्टीट्यूशंस में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन ग्लोबल चार्ट पर अगर इसको देखें तो हमें कितना एम्ब्रेसिंग फील होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में आपने ये देखा कि 50% जो प्रोफेसर है आईआईटी के वो रिसर्च का काम बिल्कुल भी नहीं करा पा रहे, मात्र 30% जो है वो अच्छे फैकल्टी रह चुकी है। तो ये एक्चुअली में 70% फैकल्टी जो है हमारी आईआईटी की वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, और उनसे जब कॉम्पिटिटिव वो नहीं होंगे तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियर्स भी तैयार नहीं किए जा सकते। तो यहां पर दोस्तों, इससे पहले ये रिपोर्ट आने से पहले प्रोफेसर्स के ऊपर एक रिपोर्ट ऑलरेडी पहले आई थी, और ये रिपोर्ट है 12 सितंबर 2019 की, और इसको दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन पब्लिश करता है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं टॉप 300 जो इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के उनमें एक भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं आता। ये हमारे लिए काफी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है, और आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे जो टॉप आईआईटीज हैं वो 301 से 350 या फिर 351 से 400 के बीच में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक कंट्री जो सुपर पावर बनना चाहती है और जो दुनिया भर में अपने अच्छे इंजीनियर्स अच्छे डॉक्टर्स को एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रही है, यानी ह्यूमन जो सोर्स है ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक्सपोर्ट कर रही है, उसका ये हाल है। तो इससे दोस्तों हमारी आने वाली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी फर्क पड़ेगा। हम अपना जो एजुकेशन और कल्चर का सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग करते हैं उसमें भी दिक्कतें आएंगी, इसीलिए दोस्तों यहां पर हमें अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है। और दोस्तों, टीचर की कमी को देखते हुए टीचर में क्वालिफिकेशन की कमी को देखते हुए गवर्नमेंट इस टेन्योर ट्रैकिंग सिस्टम के अप्रोच के साथ आई है। अब हम ये जानेंगे कि बैकग्राउंड से हमें टेन्योर ट्रैक सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम है क्या। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने यह कहा कि आईआईएससी फॉल इज ड्यू टू फॉल इन इट्स रिसर्च साइटेशन इम्पैक्ट स्कोर। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल बात यह है कि रिसर्च की जो फैसिलिटी है वो आईआईएससी में उस हद तक नहीं इम्प्रूव हुई जैसी दुनिया के और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इम्प्रूवमेंट आई। तो आईआईएससी में एक्चुअली प्रैक्टिकल और रिसर्च करना
ये काफी मुश्किल हो गया है पहले से, या फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं दूसरे देशों के, उन्होंने आईआईएससी से काफी अच्छा परफॉर्म किया है, यानी ग्लोबल लेवल के हिसाब से देखा जाए तो आईआईएससी ने अपनी सुपरियोरिटी को मेंटेन ना कर पाने के कारण इसकी रैंकिंग में फॉल आया, और जिसके पीछे रिसर्च को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं टेन्योर ट्रैक सिस्टम को। तो दोस्तों, इसका जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम है, इसका मेन टारगेट यह है कि जो प्रोफेसर्स हो, प्रोफेसर्स काफी क्वालिफाइड प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया जाए, तो इसीलिए यहां पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उनका जो टेन्योर होगा उसकी ट्रैकिंग की जाएगी, यानी जो टीचर्स को अपॉइंट करने का टाइम पीरियड होगा उस दौरान उनकी ट्रैकिंग होगी कि वो अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो यहां पर दोस्तों यही चीज होने जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यह कहा है कि विल नाउ हायर फैकल्टी ऑन 5-6 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी पहले दोस्तों क्या होता था, पहले जो हायर किए जाते थे परमानेंट स्टाफ, वो कैसे किए जाते थे, पहले तो 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता था, यानी 1 साल पढ़ाते थे और 1 साल पढ़ाने के बाद उनको परमानेंटली अपॉइंट कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाने का कारण ये हुआ कि 5-6 ईयर्स अब उनको पढ़ाना पड़ेगा, उसको हायर करेंगे, और उनकी जो जॉब होगी वो अब पहले जैसी परमानेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब ये कि आईआईटी का जो इंस्टीट्यूशन है वो कभी भी इन प्रोफेसरों को निकाल सकता है, तो इस दौरान उनको यहां पर 5-6 ईयर तक परमानेंट होने का मौका नहीं दिया जाएगा, और यहां पर उनको लगातार अपनी परफॉर्मेंस करते रहनी है। इस कारण दोस्तों क्या होगा कि ये देखा गया है कि 1 साल का प्रोबेशनरी पीरियड खत्म करने के बाद जो टीचर परमानेंटली अपॉइंट हो जाते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते, वो जो नई नई टेक्नोलॉजी होती जा रही है, आती जा रही है, उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करते, दुनिया में क्या नया चल रहा है उसके हिसाब से मॉडर्न नहीं बनते, तो जिससे क्या हो रहा है, आईआईटी का मॉडर्नाइजेशन जो हुआ था इस वजह से रुक सा गया था, क्योंकि टीचर जो थे वो पुरानी चीजों को पढ़ाते थे, नया कुछ लाने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन यहां पर इस स्टेप से ये होगा कि जो प्रोफेसर अब होंगे अपॉइंट शुरू में, उनको पता होगा कि उनकी जॉब जो है वो परमानेंट है नहीं, और परमानेंट ना होने की वजह से उसको वो टेम्पररी जॉब समझेंगे, और परमानेंट उस जॉब को कन्वर्ट करने के लिए अपना 5-6 ईयर लगातार बेस्ट देंगे, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक कर जो भी नई चीज होगी दुनिया में उसको अपने जो स्टूडेंट्स होंगे या आईआईटी इंजीनियर्स जो आएंगे पढ़ने उनके पास, उनको सब कुछ नया चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ऐसा 5-6 ईयर तक चलेगा जिसके बीच में वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। यहां पर दोस्तों एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का टाइम आ जाएगा, यानी 5 साल के बाद, 5 से 5.5 साल का जो टाइम होता है, उस दौरान यहां पर होगा क्या, तो उनका जो होगा एक तरीके से रिव्यू होगा टीचिंग और रिसर्च के बेस पर, यानी जैसा उन्होंने पढ़ाया है और रिसर्च कराया है उसके बेस पर उनका एक एक्चुअली में एक तरीके से रिव्यू किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस को, और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि उनको रखा जाए, प्रमोट किया जाए, या फिर उनको निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से ये है टेन्योर ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें उनके प्रोफेसर्स के जो टेन्योर हैं उस पूरे टेन्योर के दौरान उनकी ट्रैकिंग को बना दिया गया है, और इससे एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए, जिसमें इस मैकेनिज्म को एक तरीके से काफी फेयर बनाने की कोशिश की गई है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो ओल्ड फैकल्टी होगी और जो न्यू फैकल्टी होगी वो आपस में क्या कर सकते हैं, इसको एक करप्शन का अपॉर्चुनिटी बना सकती है, और यहां पर एक तरीके से करप्शन जो है वो पैदा हो सकता है, क्योंकि यहां पर ओल्ड फैकल्टी को ही अगर पावर दे दी जाए उनका जो नई फैकल्टी होगा इनको इवेल्युएट करने का, तो यहां पर न्यू फैकल्टी जो होगा किसी भी तरीके से करप्शन का अप्रोच अपना सकती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने जो इवेल्युएशन का काम है उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसका काम एक एक्सटर्नल कमिटी को दे दिया गया है। ये एक्सटर्नल कमिटी जो होगी आईआईटी के अंदर की नहीं होगी, यानी आईआईटी के जो अंदर के प्रोफेसर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, पूरी ये कमिटी जो होगी बाहर से आएगी और वो इवेल्युएशन करेगी यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर और दूसरे जो रिजल्ट्स आते हैं उनके बेसिस पर। तो काफी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये ऐसा स्टेप लिया गया है ताकि ओल्ड फैकल्टी और न्यू फैकल्टी के बीच में किसी भी तरीके का कोलेब्रेशन ना बन पाए जो आगे फ्यूचर में करप्शन का रीजन बने, और करप्शन का रीजन बनने के बाद ये
एक्चुअली जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश की उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो। तो काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक एक्सटर्नल कमिटी के पास पावर ये होगी कि वो चाहे तो 2 साल का फर्दर टेन्योर ग्रांट करना चाहे अगर किसी प्रोफेसर को यानी कैंडिडेट को, तो वो भी ग्रांट कर सकती है। तो ये एक अलग पॉइंट हो जाता है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम है वो यूएसए से लिया गया है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि इस सिस्टम को यूएसए से लिया गया है। यहां पर दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि ये जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम है ये सिल्वर बुलेट की तरह काम करेगा और इससे जो एक्चुअली नॉन परफॉर्मेंस बढ़ गई थी, नॉन परफॉर्मर्स बढ़ गए थे आईआईटी में, उनकी जो संख्या होगी वो कम होगी। तो काफी अच्छा कुछ सुनने को मिल रहा है इस पॉलिसी के बारे में। आइए देख लेते हैं कि क्या इस पॉलिसी में कुछ है ऐसा या फर्दर कुछ कमी भी है। तो दोस्तों इस स्कीम को अब तक काफी फुल प्रूफ माना गया है, लेकिन फिर भी अभी जो बेटर आउटकम आने हैं वो अभी जरूरी नहीं है कि आ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके कारण क्या है। सबसे पहला कि बहुत सारी जो फैकल्टी है, अभी जैसा मैंने बताया आपको आर्टिकल में कि 50% जो फैकल्टी है वो एवरेज से कम परफॉर्म कर रही है, यानी यहाँ उसमें सीधा ये मेंशन किया गया था कि 30% ही फैकल्टी अच्छे से काम कर रही है, 70% जो है वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही। तो ये फैकल्टी जो है इसका जो नंबर है अभी ये काफ़ी ज़्यादा है, और अभी ये जो चीज़ अप्लाई की जाएगी वो यंगस्टर्स जो यंग यहाँ पर एक्चुअली आएंगे प्रोफेसर उन पे अप्लाई किया जाएगा। तो अभी भी जो 70% ये नंबर है जो अभी एक तरीके से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो अभी भी आईआईटी के सिस्टम में मौजूद रहेगा, और यहाँ पर ये एक्चुअली अभी पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट ना हो पाने के कारण अभी भी आईआईटी के जो रिजल्ट्स हैं 2-3 साल तक अच्छे आउटकम नहीं आने वाले, तकरीबन 5-7 साल बाद ही ये अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो अभी इसमें सबसे बड़ी इसकी कमी यही बताई जा रही है कि अभी हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अभी हमें 5-7 साल तक वेट करना होगा, तब जाकर हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद से दोस्तों अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, यानी दो जो हमने अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग देखी थी उसमें अगर हमें अच्छी रैंकिंग अचीव करनी है, तो उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आईआईएससी के पास अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्चुअली इंतजाम है वो उतना अच्छा नहीं है, और उसी वजह से उसकी रैंकिंग जो है वो फॉल कर गई। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना रिसर्च के लिए, वो दूसरे आईआईटीज में भी अवेलेबल नहीं है, यानी जो नए आईआईटी बने हैं उनमें भी अभी तक अवेलेबल नहीं कराया गया, उनको भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। तो वो किस तरीके से उस रैंकिंग में आ सकते हैं ये अभी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रोफेसर्स की जो कमी थी उसको तो एड्रेस करने की कोशिश कर दी गई है टेन्योर ट्रैकिंग सिस्टम से, लेकिन इस कमी का क्या। उसके बाद से दोस्तों जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो फंड देने में आईआईटी को डिले करती हैं, और इससे क्या होता है आईआईटी के काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो टाइम पे पूरे नहीं हो पाते, या फिर कई सारे काम जो होते हैं जो शुरू होने होते हैं वो शुरू ही नहीं हो पाते। तो इससे क्या होता है, इससे जो आईआईटी की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गलत होता है, वो जो नई टेक्नोलॉजी को एक्चुअली अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए, और जो मॉडर्नाइजेशन का लेवल होना चाहिए आईआईटीज में उसमें काफ़ी डिले होता है, और एक तरीके से जब उन्हें पहले वाले फंड का एक्चुअली पहले वाले काम के लिए फंड मिलता है तब तक दुनिया में काफ़ी सारे इनोवेशन हो चुके होते हैं और उसका उतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती। तो ये भी एक दिक्कत है, गवर्नमेंट को इसको भी एड्रेस करने के लिए तुरंत कोई स्टेप लेना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि जो यंग फैकल्टी आएगी अगर उसकी ट्रैकिंग इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से होगी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी प्रोफेसर अपना 5-6 ईयर्स अगर देता है और उसके बाद से ये डिसाइड किया जाता है कि उसको परमानेंटली नहीं रखा जा सकता, तो कोई अपना 5-6 ईयर टाइम्स देगा क्यों? वो तो यही सोचेगा कि आईआईटी में पढ़ाने की बजाय मैं किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में, छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊं जहां मेरा एक्चुअली टेन्योर हो वो फिक्स हो जाए। हमारी जो अभी सोच है वो एक्चुअली सोशलिस्ट टाइप की है, हमें यहां पर रिस्क जो चाहिए अपने जॉब में ज्यादा नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें पैसा भले कम मिले लेकिन हमारा जो एक्चुअली इंतजाम हो जाए, हमारे जो जॉब हो जाए वो परमानेंट हो जाए, हम मतलब स्टेबल हो जाए एक तरीके से। तो ये हमारी थिंकिंग रहती है जो अभी जाने नहीं वाली, और यहाँ पर अभी जो मोस्टली प्रोफेसर्स आएंगे, यंग फैकल्टी आएगी, वो भी इसी सोच से इन्फ्लुएंस होंगे। तो कोई अपने करियर में इतना बड़ा रिस्क क्यों ले, ये भी एक
सिचुएशन हो सकता है। तो फिलहाल देखना है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कुछ करती है और इन जो कमियों को बताया गया है उसको कैसे एड्रेस किया जाता है। अभी इस पर फिलहाल कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं आया गवर्नमेंट के सामने, हमें वेट करना होगा कि आगे कुछ आईआईटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इन पर क्या कुछ करने की कोशिश करती है। और दोस्तों अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं और उन डिजिटल इनिशिएटिव्स को हमने एक वीडियो में कवर किया है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई होप आप उन वीडियोज को भी अच्छे से देखेंगे और काफी कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का एंड, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम ये देख सके कि वाकई आपको हमारे लेक्चर से लाभ मिल रहा है, फायदा हो रहा है। तो आई होप आप हमारे लिए इतना कुछ करेंगे, आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।